हाई एवरी वन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फॉर बी ए पार्ट वन इंग्लिश ऑनर्स वेल दे आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके बीच दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे एक ऐसे जिन्हें डिटेल्ड में स्टडी चाहिए ठीक और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्टकट चाहिए ऐसे बच्चे जिन्हें इंग्लिश ऑनर्स करके इंग्लिश में करियर बनाना है वो बाद आगे चलकर कर एम करना चाहते होंगे या पीएचडी करना चाहते होंगे या बी करके या एम करके टीचर लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हों तो ऐसे बच्चे जनरली डिटेल में स्टडी करने पर ध्यान देते हैं और कुछ ऐसे ब, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें यह होता है कि एनी हाउ ग्रेजुएशन पास कर जाए सर्टिफिकेट मिल जाए और स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसे बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं वेल इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं आप निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख कर कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आप किस तरह का स्टडी चाहते हैं ताकि फ्यूचर में मैं उन चीज़ों को फोकस करके वीडियो बना सकूं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास वेल इंग्लिश ऑनर्स करने जा रहे हैं आप तो आपको सबसे पहले इंग्लिश का इतिहास पता होना चाहिए तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कहने से क्या मतलब निकलता है मतलब यह होता है कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे हमें जानना चाहिए वह है वेन वेयर एंड हाउ डिड इंग्लिश ओरिजिनेट कब कहाँ और कैसे अंग्रेजी का उद्भव हुआ जन्म हुआ तो अगर इन तीनों चीजों को हम जान लेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा चीजों को समझना सबसे पहला है हमारा वेन वेन का संबंध होता है टाइम से फिर हम देखेंगे वेयर वेयर का संबंध होगा प्लेस से जगह से एंड हाउ किस तरह से शुरुआत हुई इंग्लिश की well, सबसे पहला हमारा है टाइम निश्चित रूप से आप समझते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कोई एक या दो साल पहले नहीं हुई सैकड़ों साल भी नहीं इवन हजारों साल पहले और अंग्रेजी का इतिहास जुड़ा हुआ है सन ईसवी की शुरुआत से पहले से तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में हम जिसे सन ईसवी कहते हैं ईसा पूर्व कहते हैं तो इन चीज़ों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं क्या कहते हैं हमें यह समझना ज़रूरी है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यह समझना ज़रूरी है इससे पहले कि हम इंग्लिश के इतिहास के बारे में जानें टाइमलाइन का मतलब होता है कालक्रम जी हाँ हमें देखना है कि कैसे इंग्लिश के जन्म होने से लेके आज तक कैसे चलता आया है उसमें क्या डिफरेंसेज आई है और ये सारा चीज़ पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इनफैक्ट जो साल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं ये जानेंगे आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जिस दिन जीरो एक जीरो एक जीरो एक तारीख रही हो और आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह डेट कब रही होगी आज 2020 है इनफैक्ट 2020 साल पहले एक दिन वैसा रहा होगा जिस दिन जीरो एक जीरो एक जीरो एक, जीरो एक रहा होगा आपके मन में एक बात तो उठता ही होगा कि आखिर ये जीरो एक जीरो एक की शुरुआत कैसे हुई होगी तो आज हम बात करते हैं कि जीरो एक जीरो एक की शुरुआत कैसे हुई होगी वेल आप ये जानते हैं कि अंग्रेजी का जन्म यूरोप में हुआ और यूरोप में ज्यादातर किस धर्म के मानने वाले लोग हैं और थे भी इनफैक्ट ईसाई लोग ज्यादा है क्रिश्चियन लोग ज्यादा है और क्रिश्चियन लोगों के गॉड कौन है जीजस जीजस क्राइस्ट जिसको हम हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं तो जीजस क्राइस्ट उनके गॉड है तो इनफैक्ट उन्हीं के जन्म जो एक मान लिया गया है एक्चुअल जन्मदिन किसी को मालूम नहीं एक मनोनीत एक मान लिया गया जन्मदिन के आधार पर सन ईस्वी की शुरुआत की गई तो ऐसा माना जाता है कि बिलीव टू बी द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट ऐसा माना जाता है कि उस दिन जीजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य पे सन ईस्वी की शुरुआत कर दी गई तो सन ईस्वी की शुरुआत इस तरह से जीरो एक जीरो एक जीरो एक की हो गई तब से लेकर अब तक का जो समय है चलता आ रहा है इसको हम बोलते हैं एडी अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि यह एडी क्या होता है एडी एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है एनोडोमनी एनोडोमनी क्या होता है एनोडोमनी का तो शॉर्ट फॉर्म हो गया एडी एनो से आ गया ए और डोमनी से आ गया डी बट एनोडोमनी का क्या मतलब होता है एनोडोमनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट मतलब जब से सन ईस्वी की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक का जो समय है वह ईसा मसीह का समय है ईसा मसीह का टाइम है और एडी को हम लोग हिंदी में ईस्वी कहते हैं हम लोग लिखते हैं 2015 हजार ईस्वी ऐसे लिख देते हैं हम लोग तो इस तरह से एडी का मतलब हो गया इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट और एडी लैटिन भाषा का शब्द है ठीक है क्योंकि पहले पुराने जमाने में लैटिन भाषा ज्यादा प्रचलित था सबसे पुराना ग्रीक ग्रीक के बाद लैटिन और लैटिन के बाद फिर बहुत सारी भाषाएं बनी हुई है अब एडी तो हो गया एक और नाम से एडी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो है सीई सी e. e. का मतलब होता है कॉमन ईरा या क्रिश्चियन ईरा कॉमन ईरा मतलब हो गया ईरा मतलब होता है जमाना युग ठीक है तो आम लोगों का जो युग है जाहिर सी बात है सन ईस्वी जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक का या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्रिश्चियन ईरा क्रिश्चियन मतलब ईसाइयों का युग इनफैक्ट ये नामकरण किया गया है उनके नाम पे तो इसलिए उनके सम्मान में ये भी नाम कहा जाता है तो खैर दोनों हो कॉमन ईरा कह लो या क्रिश्चियन ईरा दोनों का शॉर्ट फॉर्म तो होगा सीई तो इस तरह से आपके दिमाग में अब ये बातें बैठ गई होगी कि भी जिसको हम हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में या तो ए डी लिखते हैं या सी ई लिखते हैं जैसे हमने 215 सौ ईस्वी लिखा इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो सॉरी 2015 हज़ार पंद्रह ईस्वी इस लिखा इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2015 हजार पंद्रह ए डी हालाँकि इस ए डी को कहीं कहीं शुरू में भी लिखा होता है एडी 2015 ठीक है बट ज्यादा प्रेफर किया जाता है एडी बाद में लिखना तो आई होप कि ये या आपको याद हो गया होगा अब हम चलते हैं जीरो एक जीरो एक से पहले के समय में ऐसा तो है नहीं कि जीरो एक जीरो एक मतलब 2020 से पहले 2020 20 साल से पहले समय नहीं था या लोग नहीं था ऐसा तो है नहीं पहले भी समय था पहले भी लोग थे तो उस समय के जो टाइम था उसका कैलकुलेशन हम आज कैसे करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बी आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीसी क्यों करते हैं बी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट बोलते हैं ईसा मसीह को तो ईसा मसीह एक 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 को आए उससे पहले का जो जमाना था पहले का जो समय था उसे कहा गया बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह का पूर्व इसलिए हम लोग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ईसा पूर्व जिस तरह से एडी को सीई भी बोलते हैं उसी तरह से बीसी को भी बीसीई भी बोलते हैं और बीसीई क्यों बोलते हैं आप दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि B.C.E का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्रिश्चियन ईरा जी हाँ B.C.E का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा मतलब आम जो जमाना चल रहा है उससे पहले का समय और बिफोर क्रिश्चियन ईरा मतलब ईसाइयों का जो जमाना है उससे पहले का समय तो इस तरह से आपको ए डी क्या होता है सीई क्या होता है बी सी क्या होता है बी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंस्टांस है जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो वैसे समय के बारे में जब भी हम कोई गणना करते हैं या अनुमान लगा करके लिखते हैं तो लगभग शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं और इंग्लिश में आपको सी लिखा हुआ मिल सकता है तो जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए सी फोर हंड्रेड या बी सी तो आप समझ लीजिए सी लिखा हुआ इसका मतलब लगभग कहना चाहता है और ये पहले भी लिखा हो सकता है या बाद में भी लिखा हो सकता है अगेन मैं बोलता हूँ प्रेफरेबली इसे पहले होना चाहिए ठीक है तो सी फोर हंड्रेड मतलब लगभग 400 सौ ईस्वी सी फोर हंड्रेड बी मतलब लगभग 400 सौ ईसा पूर्व तो इस तरह से लिखा जाता है अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि इस सी का क्या मतलब होता है तो इससे पहले कि सी को मैं बताऊं, सी भी लिखा हुआ मिल सकता है शुरू में या लास्ट में या कुछ पुरानी किताबों में डबल सी भी लिखा हुआ मिल सकता है या डबल सी ए भी लिखा हुआ मिल सकता है इस सब का मतलब वही है लगभग ये सिरका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अराउंड या अबाउट और उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है सी तो आपको ये बात समझ में आ गई कि क्यों सी लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है अब तक हमने ये सीख लिया कि अगर आ, आगे हम पढ़ने के दौरान ए डी यूज़ करें सी यूज़ करें बी सी यूज़ करें बी सी ई यूज़ करें या कोई टाइम से पहले अगर ऐसा दिया रहे हमें सी 2015 A.D. एडी तो क्या हम समझेंगे लगभग 2015 हजार पंद्रह ईस्वी में तो अब समय के बारे में समझने लग गए हम अब हमारा काम है आगे पढ़ना हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा था वेन तो वेन का संबंध समय से था और समय के बारे में हमने यहां देख भी लिया नेक्स्ट बात आती है where? कहा जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा थी और अंग्रेज कहा रहते हैं रहते थे यूरोप में तो जाहिर सी बात है हमें इसके लिए यूरोप में चलना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा हमें यूरोप में और यूरोप में भी कहां जाकर हम समझेंगे कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ ब्रिटेन में इनफैक्ट यूरोप में देश है ब्रिटेन वहां चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ आप कैसे जाएंगे वहां वहाँ जाने का अभी मैं आपको दो सेकंड में उपाय बताता हूँ और दो सेकंड्स में ले चलता हूं उसके लिए जरूरी है कि आप ग्लोब को जस्ट टर्न करें और पहुंच जाए यूरोप में ब्रिटेन में जी हाँ हम पहुंच गए ब्रिटेन में ये नक्शा है ब्रिटेन का इंग्लैंड का लेकिन ठहरिए ये तो आज का नक्शा है और हमें देखना है कि जन्म कैसे हुआ अंग्रेजी का तो इसके लिए हमें तो उस समय का नक्शा देखना पड़ेगा जिस समय जन्म हुआ वेल लगभग दो साल पहले अंग्रेजी का जन्म हुआ तो हमें इसके लिए चलना पड़ेगा दो साल पहले तो दो साल पहले चलेंगे कैसे इसके लिए हमें पीछे टाइम में चलना पड़ेगा तो लेट्स रिवर्स काउंटिंग करते हैं और पीछे टाइम में चलते हैं जी हाँ अब हम पहुंच गए दो साल पहले के ब्रिटेन में दो साल पहले का टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आकर आपको बनेगा 55 बी सी मतलब क्या सन ईस्वी जब शुरू हुई थी जीरो एक जीरो एक तब से पचपन साल पहले मैं आपको इतना पुराने जग टाइम में क्यों लेकर आया हूं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी के जन्म स्थल को समझे अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में अच्छी समझ बना सके चलिए पचपन बी सी मीन्स अबाउट टू थाउजेंड सेवेंटी फाइव ईयर्स अगो इस तरह से ब्रिटेन था और इस ब्रिटेन में मेनली ट्राइब्स रहते थे ट्राइब्स का मतलब आप समझते हैं जनजाति जंगलों में रहने वाले जो मानव थे पुराने ज़माने के वो रहते थे वहाँ पे। आज भी कुछ प्रांत ऐसे है भारत में भी और विश्व में भी कई कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कुछ ऐसे जनजाति रहते हैं जिनका आम लोगों से दुनिया की तरक्की से बिल्कुल कट ऑफ है तो उस समय ५५ बीसी में ब्रिटेन में एक, एक जनजाति रहते थे उन्हें कहा जाता था Britain. जी हाँ, ब्रिटॉन्स वो कहलाते थे ब्रिटॉन्स और उन्हीं ब्रिटॉन्स के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया था ब्रिटेन और ब्रिटेन वाले लोगों को क्या कहा जाता था लोग वहाँ थे उनको क्या कहा जाता था ब्रिटिश तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन कैसे पड़ा और वहाँ के लोगों को ब्रिटिश क्यों कहा जाता था जी हाँ वहाँ के जो समुदाय थे वहाँ के जो लोग थे जो ट्राइब्स थे उस ट्राइब्स का नाम क्या था ब्रिटन और ब्रिटॉन से ही ब्रिटेन और ब्रिटिश बन गया ऐसा नहीं था कि केवल ब्रिटोन ही कहा जाता था उसको एक और नाम से वो जाने जाते थे उस जगह के लोग वो ट्राइब्स जो थे वो एक और नाम से जाने जाते थे और वो नाम था केल्ट्स वो क्या नाम था केल्ट्स और ये जो केल्ट्स लोग थे जाहिर सी बात है जनजाति थे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ रहा होगा मानव अपने विकास के शुरुआती दौर में ही रहा होगा तो वहाँ कोई एक डेवलप्ड भाषा भी नहीं थी बोलचाल में बोली जाने वाली बोली तो थी बट कोई विकसित भाषा नहीं थी तो केल्ट्स लोग जो बोली बोलते थे उसे कहा जाता था केल्टिस जी हाँ डायलेक्ट बोलते हैं बोली को जबकि वही बोली का जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाता है जिसका व्याकरण हो जाता है जिसे लिखित लिखित रूप में भी यूज होने लग जाता है तो वही डायलेक्ट फिर बन जाता है भाषा लैंग्वेज लेकिन केल्टिस एक बोली थी जो उस समय के ब्रिटेन के लोग बोलते थे तो इस तरह से आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि ब्रिटेन कैसा था उस समय और आज से दो साल पहले ब्रिटेन के लोग कैसे बोलते थे कौन सी बोली बोलते थे अब क्या हुआ 55 बीसी में रोम के रोम एक जगह था जहां के एक जनरल जो बहुत प्रसिद्ध रहा है इतिहास में उनका नाम था जूलियस सीजर उनका नाम था जूलियस सीजर आप ध्यान रखेंगे प्रोनाउंसिएशन का वो रोम के जनरल थे एक शासक वो क्या किया हमला कर दिया ब्रिटेन पे उस समय के ब्रिटेन पे हमला कर दिया और ये जो जूलियस सीजर थे और उनके लोगों की जो भाषा थी वो थी लैटिन कौन सी भाषा बोलते थे लैटिन ठीक है जो काफ़ी टफ होता है तो जूलियस सीजर्स रोमन जनरल थे और उन्होंने क्या किया यहाँ पे धावा बोल दिया इन्वेट कर दिया घुसपैठ कर दिया लेकिन टाइम लगा ऐसा नहीं है कि घुसपैठ करते ही उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया इसमें काफी टाइम लगा लगभग सौ साल का टाइम लगा अब हम स्टडी करेंगे इसका कंप्लीट काल क्रम कि ब्रिटेन में जूलियस सीजर कब आए कब इनका शासन हुआ फिर इसके बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ स्टेप बाई स्टेप हम अध्ययन करते हैं ए ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त और क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम तो क्रोनोलॉजी क्या होता है कालक्रम क्या होता है कालक्रम का मतलब यह हुआ कि घटना कोई घटित हुई तो कब कब कैसे कैसे कब कब घटित हुई उसका एक निश्चित क्रम में अध्ययन को ही बोलते हैं क्रोनोलॉजी तो अब ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश चलिए देखते हैं तो जूलियस सीजर के आए थे 55 बीसी में ओके okay, 55 बीसी में आए रोमन इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन बाय जूलियस सीजर रोमन जूलियस सीजर रोमन थे इन्होंने घुसपैठ कर दिया आक्रमण कर दिया ब्रिटेन पे कब फिफ्टी फाइव में लेकिन लगभग सौ साल लग गया इन्हें पूरी तरह से कब्जाने में मतलब तो पूरी तरह से कब्जा करने में ब्रिटेन पे इनको 100 साल का टाइम लग गया एंड 43 थ्री में जाकर रोमन इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन बिगनिंग ऑफ रोमन रूल ऑफ ब्रिटेन अब क्या हुआ लगभग 100 साल बाद रोमन का घुसपैठ कंप्लीट हुआ और उस पूरा कब्जे में आ गया और इस तरह से रोमन शासन का शुरुआत हो गया ब्रिटेन पे अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये रोमन लोग थे जो लैटिन बोलते थे जबकि वहाँ के जो स्थानीय ब्रिटिश या केल्स जो थे उनकी बोली क्या थी केल्टिस थी तो ये दो बातें आपके मन में होना चाहिए याद होना चाहिए लेकिन फिर समय बीतता गया और काफ़ी ऑलमोस्ट 400 हंड्रेड ईयर्स इन्होंने शासन किया वहाँ पे और चार सौ छत्तीस एडी में रोमन विदड्रॉल फ्रॉम ब्रिटेन कंप्लीट रोमन वापस चले गए चार सौ छत्तीस एडी में और ब्रिटेन को आज़ाद कर दिया और इस तरह से ब्रिटेन पहली बार गुलाम बन गया और फिर गुलामी से आज़ादी मिल गई तो ये कहानी है रोमन का ब्रिटेन पे हमला का शासन करने का अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ फोर हंड्रेड एडी में एक घटनाक्रम होती है जिसे हम अब फिर से इसके मैप पे देखते हैं ये जो ब्रिटेन का हिस्सा है उस समय 449 में इंग्लैंड या वेल्स स्कॉटलैंड या आयरलैंड का नाम नहीं था ये सब मॉडर्न नाम दिया हुआ है तो इस जगह पे 449 हंड्रेड में एक घटनाक्रम हुई उस घटनाक्रम में क्या हुआ ये जो बगल में जर्मनी का एरिया है यहाँ अलग अलग एरिया था ये जूट्स एक समुदाय रहते थे एंगल्स इस समुदाय रहते थे एक सैक्सन समुदाय रहते थे जूट्स का जो ये जगह था ये जूटलैंड कहलाता था ठीक है एंगल्स का ये जो जगह था ये एंगलिन या इंग्लैलैंड कहलाता था ठीक है और Saxons जिस जगह का था इस जगह का नाम था सैक्सोनी ठीक है हुआ यूं कि अब यहां पे अलग अलग कबिलाई ग्रुप है ये द जूट्स द एंगल्स द सेक्शंस इस तरह के बहुत सारे लगभग बाईस तेईस कबिलाई ग्रुप्स थे इस सब ने क्या किया हमला कर दिया कहा हमला कर दिया ब्रिटेन पे अब ये जुट्स जनरली यहाँ इंग्लैंड के जो नीचे वाला पार्ट है इधर कैंट जगह शहर है उस एरिया पे कर दिया सैक्सन्स भी इसी के आसपास के एरिया पे कर दिया और सबसे बड़े भूभाग पे ये किया एंगल्स एंगल्स तो बहुत बड़े भूभाग पे किया हुआ यूं कि सैक्सन्स, एंगल्स द जूट्स ये तीनों ने कर दिया तीन समुदाय तीनों यहाँ पे कर दिया हमला अब क्या हुआ यहाँ के जो लोग थे विरोध किया लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन ये समुदाय वाले बड़े खूंखार थे और इन्होंने सबको मारा भगा दिया तो ये लोग क्या किए ऊपर इधर स्कॉटलैंड की तरफ चले गए फिर उधर आयरलैंड की तरफ चले गए बहुत सारे वेल्स की तरफ चले गए और ये वाला जो एरिया था इस ये ऑक्यूपाइड हो गया इस पर शासन हो गया किसका अलग पे अलग जगहों पर अलग अलग लोगों का द जूट्स का एक एरिया पे हो गया द सेक्सोंस का एक एरिया पे हो गया और एक बहुत बड़े भूभाग पे द एंगल्स का शासन हो गया द जूट्स की बात करें तो द जूट्स का शासन जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चला और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया लेकिन सेक्शंस का शासन लंबे समय तक चला और सेक्शंस और द एंगल्स दोनों का शासन काफ़ी लंबे समय तक चला और हुआ यूं कि इन दोनों का भाषा भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट uh, एक जैसा था तो एंगल्स लोग यहाँ आ गए ब्रिटेन में और ब्रिटेन के बड़े भूभाग पे शासन कायम कर लिया और ये रहने वाले कहाँ के थे इंग्लैंड के और यही लोग इंग्लैंड की वजह से इंग्लैंड नाम होने की वजह से इन्होंने नाम दे दिया इसका इंग्लैंड तो इस तरह से ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ गया तो एक प्रश्न बनता है कि ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा तो ब्रिटेन में जो एंगल्स लोग आए थे वह जर्मनी के जिस हिस्सा से आए थे उस जगह का नाम था इंग्लालैंड और इसीलिए उस इंग्लैलैंड से इंग्लैलैंड वाले लोग यहाँ रहने लग शासन करने लग तो वही इंग्लैलैंड वाले इस जगह का नाम क्या रख दिया इंग्लैंड ठीक है और ये जो द एंगल्स थे ये एंगल्स जो भाषा बोलते थे वो भाषा थी इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश से क्या बन गया इंग्लिश यही इंग्लिश आगे चल के क्या बन गया इंग्लिश तो इंग्लिश से यहां की भाषा बन गई इंग्लिश से भाषा बन गई इंग्लिश तो इस तरह से लगभग साढ़े चार सौ एडी में अंग्रेजी का जन्म हुआ तो इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए क्या बात है कि इंग्लैंड तब्दील होकर के क्या बन गया इंग्लैंड दूसरी बात इंग्लिश तब्दील होकर के क्या बन गया इंग्लिश और इस तरह से अंग्रेज़ी का जन्म हो गया ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ी का जन्म कब हम कहेंगे 449 एडी में बट राउंड अबाउट अगर बात करें तो 450 एडी में अंग्रेज़ी का जन्म हो गया और इस तरह से ब्रिटेन में जिसका नाम पहले केवल ब्रिटेन था अब वहाँ पे इंग्लैंड भी नाम हो गया हालाँकि इसके बारे में भी और बहुत सारी डिटेल्स में जो आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे ब्रिटेन बना फिर ग्रेट ब्रिटेन हुआ फिर यूके बना तो अलग अलग एरियाओं के बारे में नाम वगैरह के बारे में आपको और डिटेल्स पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आप जानेंगे लेकिन हमें भाषा से संबंधित इतनी जरूरत थी जितनी मैंने बताई आपको इस तरह से फोर्टी में सेटलमेंट ऑफ ब्रिटेन बाई जर्मेनिक इन्वेडर्स तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि अंग्रेजी भाषा का जन्म कैसे हुआ नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब अंग्रेजी का जन्म हो गया 449 एडी में तब से लेकर अब तक उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और कौन कौन से लेखक हुए कौन कौन से राइटर्स हुए उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और उन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में स्टडी हम करेंगे और उन्हीं में से आपके एग्जाम्स में प्रश्न भी आएंगे तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और हाँ आप कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा आप क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑफ योर चॉइस ओके वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू विजिट माई वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट माई कोचिंग डॉट को डॉट इन फॉर लाइव क्लासेज जिसमें कि आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं और ये जितनी भी क्लासेस में अभी मैंने पढ़ाई है इस सब का आपको रिटर्न फॉर्म चाहिए जैसा एग्जाम्स में लिखने की जरूरत है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं तो विजिट माय वेबसाइट थैंक यू वेरी